नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के बारे में, और इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, कौन से कणों को ये त्वरित करता है, और इसके अंदर जो सिद्धांत का प्रयोग होता है जिसे हम कहते हैं कला स्थायित्व का सिद्धांत, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम इसका पार्ट टू पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर इसकी बनावट और कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के अंदर बड़े क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 9, और जनरल बीएससी 3rd ईयर के अंदर भी लगता है ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, जिसमें एक्सीलेटर और डिटेक्टर वाली जो आपकी यूनिट है वहाँ पर पार्ट टू है। आइए इसको शुरू करते हैं। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की बनावट और कार्य प्रणाली। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमने जो पहले साइक्लोट्रॉन पढ़ा था और अब हम सिंक्रो साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या अलग होता है। तो अंतर भी आ सकता है परीक्षा के अंदर कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई 3 अंतर, 4 अंतर या जितने भी हम अंतर इसमें कर सकते हैं वो पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसमें केवल 1 डीज का उपयोग होता है, जबकि साइक्लोट्रॉन में 2 डीज का प्रयोग होता है, आपको याद हो, जो निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी जाती है। यानी जो डीज होती है वो वैक्यूम कक्ष के अंदर एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी जाती है। चुंबक का भार लगभग 4000 टन होता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र 15000 गोस होता है, यानी ऑलमोस्ट 15000 गोस मैग्नीट्यूड के बराबर इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबक का, और 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव डीज व ग्राउंड के मध्य लगाया जाता है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अब हम इसके उपकरण की बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इसकी बनावट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक डीज आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये एक डीज है, एकल डीज है। ये बाहर का चुंबकीय विक्षेपक लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे चुंबकीय विक्षेपक है और यहाँ पर क्या है, स्थिर विद्युत विक्षेपक है। इसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब ये क्या काम करते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये एक निर्वात कक्ष है। यहाँ पर आयन स्रोत हैं, जो आयन इसमें प्रवेश करते हैं, जो आयन स्रोत होता है, हमने सबसे पहले वीडियो आयन स्रोत के बारे में ही बनाई थी। यहाँ पर आवर्ती मॉडुलित शक्ति स्रोत होता है, क्योंकि हमने पहले पार्ट के अंदर चर्चा की थी कि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, जो वृत्ताकार पथ की आवृत्ति होती है आवेशित कण की, उस आवृत्ति को जो अपनी फ्रिक्वेंसी देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसके साथ मॉडुलित हमें करना पड़ता है, तब ये साइक्लोट्रॉन से अलग बनता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये राउंड लगाने के बाद विक्षेपक के माध्यम से जो पुंज है, आयन पुंज, ये बाहर लास्ट में निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अब इसको विस्तार से हम जानते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आप नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को कम्प्लीट देखें ताकि आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और टॉपिक पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब आवेशित कण डीज में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, या तो वो प्रवेश कर रहा हो या वो बाहर निकल रहा हो, तो त्वरण का अनुभव करता है। क्यों करता है त्वरण का अनुभव? इसका भी कारण है, क्योंकि प्रवेश करते समय जब डीज में आवेशित कण प्रवेश करेगा उस समय आवृत्ति अधिकतम कर दी जाती है, और बाहर निकलते समय, या आप क्या कह सकते हैं, डीज की परिधि पर पहुंचने पर, बाहर निकलेगा उसका मतलब है लास्ट में वो डीज की परिधि के ऊपर होगा, तो वहां पर आवृत्ति कम कर दी जाती है। तो ये जो आवृत्ति में चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या होता है, दोनों ही टाइम पे, यानी जब वो प्रवेश कर रहा हो डीज के अंदर तब, और जब लास्ट में बाहर निकलता है तब, दोनों समय वो त्वरण का अनुभव करता है, जिससे क्या होता है कि इस आवृत्ति में चेंज होने से उनकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार 1 डीज से भी इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है।
ये त्वरित कण है वो 50,000 चक्कर लगाने के बाद, यानी जब इस एक डीज के अंदर ये राउंड लगाते हैं आवृत्ति कम ज़्यादा करने के बाद, तो ऑलमोस्ट 50,000 चक्कर जब लगाते हैं तब इसको बाहर निकाला जाता है। और किनके माध्यम से? चुंबकीय और स्थिर विद्युत डिफ्लेक्टरों के द्वारा बाहर निकलते हैं। डिफ्लेक्टर को हिंदी में कहते हैं विक्षेपक। जैसे आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा, ये रहा यहाँ पे चुंबकीय विक्षेपक, यानी इसको डायरेक्शन दी इसकी सहायता से बाहर निकालने के लिए और यहाँ पर इसके पथ को मोड़ा गया। ये है स्थिर विद्युत विक्षेपक और यहाँ पर है चुंबकीय विक्षेपक, इनकी सहायता से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये आवेशित कण समान ऊर्जा के एक समूह है जिसे स्फोट कहते हैं के रूप में मिलते हैं, जिनकी आवृत्ति पुनः प्रारंभिक आवृत्ति के बराबर करके और नए कणों को डी में इंजेक्ट यानी कि अंतःक्षेपित करके नेक्स्ट स्फोट प्राप्त किए जाते हैं। अब साइक्लोट्रॉन के अंदर हमें क्या प्राप्त हो रहा था? वहां पर तो तरंगें प्राप्त होती हैं और इसके अंदर समान ऊर्जा के आवेशित पुंज यानी लगभग एक पुंज के अंदर 5-10,000 या ज़्यादा कण भी हो सकते हैं, तो एक स्फोट के रूप में प्राप्त होते हैं और वहाँ पर हमें तरंगें प्राप्त होती हैं, तो इसके अंदर दूसरा डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। इसके द्वारा यानी अब हमें पता लगाना है कि इसके द्वारा जो हमने एक पढ़ा था कि अल्फा कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे प्राप्त नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमें न्यूट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए आवृत्ति को कितना चेंज करना पड़ता है, कितने एनर्जी के न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं, कितने एनर्जी के अल्फा कण प्राप्त होते हैं और कितने एनर्जी के प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। तो 1s2 पहला यानी न्यूट्रॉन ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के प्राप्त होते हैं, और अल्फा कण की बात करें 2Hb4 तो ये 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के प्राप्त होते हैं इस उपकरण से। इनके लिए आवृत्ति जो है वो 11.5 मेगा हर्ट्ज से 9.8 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति तक इसे मॉड्यूलित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये आयन यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन और अल्फा कण की बात हम कर रहे हैं, जब डीज में प्रवेश करते हैं तो उनकी आवृत्ति होती है 11.5 मेगा हर्ट्ज, यानी इस आवृत्ति को इतना चेंज कर दिया जाता है, और जब ये बाहर निकलते हैं लास्ट में तो इनकी आवृत्ति को 9.8 मेगा हर्ट्ज कर दिया जाता है, यानी आवृत्ति को अधिकतम और न्यूनतम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है आवृत्ति मॉड्यूलित होती है और ये त्वरित होते हैं और इतनी एनर्जी को ये प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रोटॉन यानी 1H1, ये 350 मेगा हर्ट्ज तक के प्राप्त होते हैं। इसके लिए आवृत्ति का जो मॉड्यूलन है वो 23 मेगा हर्ट्ज से 15.6 मेगा हर्ट्ज तक किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक नंबर के अंदर या डेढ़ नंबर के डेफिनेशन जो आते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं कि प्रोटॉन कितने प्राप्त होते हैं, कितने एनर्जी की प्राप्त होते हैं, कितने आवृत्ति को मॉड्यूलित करना पड़ता है, और कंपटीशन के अंदर भी ये जो पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने इनको अलग टाइप से लिखा है यहाँ पर। अब हम इसके थोड़े डेरिवेशन की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे इस कण की कोणीय आवृत्ति, फिर हम इसके निकालेंगे फ्रिक्वेंसी, और फिर हम इसके निकालेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है, कण की त्रिज्या जो है वो किस प्रकार से आएगी। तो नियत चुंबकीय क्षेत्र में देखिए, इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र को नियत रखना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन की कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है हम उसका ही यूज़ यहाँ पे करेंगे, ओमेगा बराबर QB/m, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, QB/m जो है उसको C² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा QBC² / MC², और MC² जो है उसको आइंस्टीन के ऊर्जा संबंध से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, E = MC², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर QBC² / E। अब ये E जो है वो कण की टोटल एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी है वो दो एनर्जी का पार्ट होगी, एक है गतिज ऊर्जा और एक इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, या यहाँ पर आप इसे विराम द्रव्यमान ऊर्जा कह सकते हैं। यदि आयन की गतिज ऊर्जा K हो और M0C² विराम द्रव्यमान ऊर्जा हो, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E = K + M0C². हम क्या करेंगे, E = K + M0C² ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, QBC² / K + M0C². अब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा M0C² को, तो यहाँ तो एक बन जाएगा और प्लस में K बटे में ये यहाँ पे आ जाता है, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, QBC² / M0C² 1 + K / M0C², तो ये यहाँ पे कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे आप C² को C² से क्रॉस भी कर सकते हैं।
अब इसके फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो क्या होगा, ओमेगा को हम एफ में चेंज करेंगे तो 2 पाई जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो आवृत्ति एफ बराबर क्या आ जाएगी, क्यू बी सी स्क्वेयर अपॉन 2 पाई एम नोट सी स्क्वेयर 1 प्लस k अपॉन m नोट c स्क्वेयर। तो यहाँ से सी स्क्वेयर हो गया खत्म, f बराबर क्या बचा, क्यू बी बटे 2 पाई m नोट 1 प्लस k अपॉन m नोट c स्क्वेयर। अब ये जो क्यू बी अपॉन 2 पाई m नोट है ये क्या है, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था साइक्लोट्रॉन में कि क्यू बी अपॉन 2 पाई m क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, आवृत्ति के बराबर होता है। यहाँ पर m नोट है, द्रव्यमान है वो क्या है, m नोट है, यानी कि ये नॉन रिलेटिव है, अगर m होता तो वो रिलेटिव होता है, और उसके अंदर जो मास होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है, m बराबर m नोट बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर m नोट है यानी विराम द्रव्यमान है ये, तो ये क्या है, नॉन रिलेटिव। तो इसको हम लिखेंगे एफ नोट से, यानी ये जो आवृत्ति है ये एफ नोट बन जाएगी, और इस आवृत्ति को क्या कहा जाएगा, साइक्लोट्रॉन की नॉन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी अनापेक्षीय आवृत्ति इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एफ नोट की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू बी अपॉन 2 पाई m नोट, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह एफ नोट, यानी एफ बराबर क्या आएगा, एफ नोट बटे 1 प्लस k अपॉन m नोट c स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर होगी 2, या आगे इसकी आवृत्ति। अब यदि त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या की हम बात करें तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, r बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी होता है। तो यहाँ पर अपने पास आप देख सकते हैं r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी था, तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है p, तो मैंने इसको p लिखा, और c से ऊपर नीचे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया पी सी बटे क्यू बी सी। अब ये पी सी बराबर जो है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपने गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा की थी, आइंस्टीन के रिलेशन की बात की थी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात की थी, वहाँ पे आप ये पढ़ चुके हैं कि पी सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ई स्क्वेयर माइनस एम नोट सी स्क्वेयर सी की 4, या पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बराबर ई स्क्वेयर माइनस एम नोट स्क्वेयर सी की 4 होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, अपॉन में आ गया क्यू बी सी। अब ई की वैल्यू क्या थी, के प्लस एम नोट सी स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैं ई स्क्वेयर की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी, ई स्क्वेयर बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर सी की 4 प्लस 2 m नोट c स्क्वेयर इंटू के। तो ये यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर सी की 4 प्लस 2 k m नोट c स्क्वेयर माइनस एम नोट स्क्वेयर सी की 4। तो ये माइनस का और ये प्लस का ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और इन दोनों पदों से हम k को कॉमन ले लेते हैं, तो r बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट k प्लस 2 m नोट c स्क्वेयर अपॉन क्यू बी सी, ये आगे इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण 3 में जो पथ की त्रिज्या है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है मुख्य रूप से, यानी कि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वैसे वैसे पथ की त्रिज्या जो बढ़ती जाएगी, और यानी पथ जो है वो सर्पिलाकार होता जाएगा। और ये आप जानते ही हैं कि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की सहायता से अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न भी कंपटीशन में बहुत बार आता है इस लेवल के अकॉर्डिंग कि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर कौन से कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है, अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऑप्शन राइट इसका, और इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए युक्ति होती है बीटाट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन त्वरितर भी उसको कहते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।